कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3। अब हम इसका प्रश्न 12 करने जा रहे हैं। प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। धन पूर्णांक यानी प्लस वाले इंटीजर्स, प्लस वाले नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जो 6 से विभाज्य हो। तो आप देखिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाज्य होगा वो होगा, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 12, चौथा होगा 14। इस प्रकार से यह हमें एक एपी दी गई है। अब हमें इसके प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। इसका मतलब एन है 40, यानी इस एपी में 40 पद है, ठीक है। एन हो गया 40, ए कितना हो गया, पहला पद। ए क्या होता है, एपी का पहला पद, वो हो गया 6। डी कितना है, 6। डी कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद हमारे पास होगा। ए पता है, एन पता है, डी पता है, हमें 40 पदों का योग निकालना है। एस एन याद रखना, यदि 40वां पद निकालना होता तो ए एन वाला फार्मूला यूज करते, यदि 40 पदों का योग निकालना है तो एस एन वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब एस एन का फार्मूला क्या है, एन बटा दो समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर समझ लिया, हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें हमें S 40 निकालना है, n कितना हो गया 40 बटा 2 into 2 into 6 कितना है 6 के बराबर। मुझसे पहले चलेंगे, प्लस 40 माइनस 1 डी कितना है 6। शाबाश, वेरी गुड। 2 से 40 कट गया 20, 12, 12। ध्यान से देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें पता लग गया 40 में से 1 निकालेंगे 39, 39 को 6 से गुणा करेंगे, लेकिन 39 का पहाड़ा हमें आता नहीं। मैं इसको आराम से कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं इस 6 को पहले 40 से गुणा कर देता हूँ, 40 छीका 240, इसमें से 6 एकम 6 माइनस कर दो, 240 में से 6 माइनस किया 244। तो पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने किसी को यूज किया, 6 गुना 40 हो गया 240, उसमें से 6 गुना 1 6 माइनस कर दिया, 240 में से 6 माइनस कर दिया 234। अभी आ गया 20 गुना 234 में 12 प्लस कर दो तो ये आ गया 246। अब इसको भी अलग से गुना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 लिखा है तो ये तो पीछे आएगा ही आएगा। अब ये रह गया 2, इसको गुना कर दो, 2 छीके 12 हासिल आया 1, 2 छीके 8, 8 से 9, 2 दूनी 4, इसका मतलब इस एपी के प्रथम 40 पदों का योग वो आया है 4,920। हमसे पूछा गया था ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम यहां लिख देंगे 40 पूर्णांकों का योग बराबर 4,920। तो यही इस प्रश्न का हल है।